संक्रमण को रोकने के लिए 14 अप्रैल तक पूरे देश में लॉकडाउन है। बाजार बंद है, ट्रेन, बसें, हवाई जहाज, टैक्सियां, कुछ भी नहीं चल रहा है। ऐसे में सरकार को लॉकडाउन खोलने की तैयारियों पर चर्चा शुरू कर दी है। सरकार पहले उन जिलों से लॉकडाउन हटाएगी जहां कोरोना वायरस संक्रमण की अपेक्षा कम है। इसमें भी वायरस संक्रमण वाले हॉटस्पॉट चिन्हित किए जा रहे हैं। सूत्र बताते हैं कि तबलीगी जमात के संक्रमित लोग अभी भी कई जिलों में मौजूद हैं। ऐसे में लोगों के कारण खास जिले या उनके खास इलाकों में जांच पूरी होने तक बंद रहेंगे। वहीं स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे और सीमित दायरे में परिवहन सेवा शुरू होगी ताकि जो लोग अपने घर नहीं जा पा रहे हैं वे अपने घर जा सकेंगे। मगर लॉकडाउन खुलता है तो हालात बहुत चुनौतीपूर्ण होंगे। ऐसे में जो जहां फंसा होगा वहां से आने का प्रयास करेगा। इन हालातों में सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल करना बेहद चुनौतीपूर्ण होगा। तो वहीं बाजार और मंडियों को खोला जाएगा परंतु मॉल और मल्टीप्लेक्स जैसी जगह ही बंद रहेगी। वहीं लॉकडाउन को खोलने के लिए दिल्ली सरकार कई क्षेत्रों में रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन पर भी काम कर रही है। दिल्ली न्यूज़ एक्सप्रेस के लिए नौनिका वर्मा की रिपोर्ट।